नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। खागा तहसील में जो पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में ऐतिहासिक जुलूस के साथ खागा नगर होते हुए तहसील गेट से सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह की अध्यक्षता में छात्राओं ने घोष टीम के साथ स्वागत किया। वे भी देखते बनता था। आप लोगों को बताते चलें कि खागा कस्बे में पत्रकार विकास परिषद का जुलूस देखकर अच्छे अच्छे लोगों के पैर तले से जमीन खसक गई थी। पूरे जिले में नहीं, कई स्टेट और बहुत से जिले से आए लोगों को पत्रकार विकास परिषद फतेहपुर जिले द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह यादगार बन गया है। आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम जल्दीबाजी में आयोजित हुआ है, नहीं और अच्छा होता, लेकिन जलने वालों के लिए इतना कम नहीं था। आप देखते रहे, जिस दिन पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अध्यादेश जारी होगा, उस दिन फतेहपुर जिले में एक बार फिर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, वह भी बड़ी धूमधाम से, और पूरे देश के लोग शामिल होगी कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, भदोही, मध्य प्रदेश, सतना, कानपुर, आगरा, सागर जैसी जगहों से लोगों का आगमन हुआ था, जिसके लिए फतेहपुर जिले का अध्यक्ष की तरफ से सभी लोगों को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। आप आए तो कार्यक्रम में हीरे मोती का काम किया आप लोगों ने, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। पत्रकार विकास परिषद फतेहपुर जिले की टीम, और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और राष्ट्रीय सचिव डिकी मिश्र और राष्ट्रीय संरक्षक लखन लाल और सभी जिलों से आए लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए सुने क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और चक्रपाणी जी ने। और दुबे जी, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो, संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। छत्तीसगढ़ से एक चीज मांग गया, मैं इस पूर्वांचल के लोगों के साथ, मैं विश्वास करिए मेरी बात को, अच्छा कार्य हो, अच्छा उद्देश्य हो, अच्छे कार्यों में जाए, जब तक मैं प्रदेश और जितने मैं इनका काम नहीं कर सकूंगा। पूर्वांचल न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि आने वाले समय में देश की पत्रकारिता को अपनी ओर से, अपने भाई की ओर से आपसे एक मान रखता हूँ। अब फतेह की धरती से अगर इंकलाब जिंदाबाद आज होता है, तो याद रखना हम फिर फतेहपुर की धरती पे आएंगे, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, और उस दिन आप सभी, आपने देखा, पूरा फतेहपुर ने देखा इनके स्वागत को। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस दिन फतेहपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देखेगा इनके स्वागत को। और मेरी वो मांग है, पत्रकार सुरक्षा कानून। अगर आप लोग ना आते तो हम ना खींच लेते, क्या मतलब बड़े कार्यक्रम में आप बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यहाँ के पास आप लोग हैं, अरे हम लोग मिलते रहेंगे, वो आप लोग ना निकलते हैं, हर ही आप से हम लोग से जो है आइए सब लोग आइए साथ में, आधे सब लोग आप लोगों की तालियां लगी नहीं रही,
अध्यक्ष जी की सेवा में लगे रहते हैं, संस्था में लगे रहते हैं। जो सर ने एक अनुरोध किया था ऑलरेडी चंदुभाई और हमारे बीच में श्रीमती सुभा अग्रवाल जी ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये मोमेंटो देना चाहती है, तो हम आपसे आप उनको सभागार में राष्ट्रीय संसद के अतिथि एवं मंचासीन प्रदेश स्तर के अतिथिगण एवं जिला संघ के भारत पत्रकार विकास के जिला के सभी संगठन के लोग एवं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं कि 15 साल से जो लड़ाई झगड़ा हूं 1675 मुकदमे लगा के जेल भिजवा चुका हूँ, एनएसए की कार्रवाई करवा दी है मैंने, जाहिर करेंगे मैं काम कर रहा हूँ गौ हत्या पर, इस देश के अंदर ना तो गौ हत्या होने दूंगा और ना होगी